बलरामपुर विकासखंड हरैया सतघरवा के उदयपुर खैरहनिया के ग्रामीणों ने नाला किनारे स्थायी गौशाला निर्माण कराने को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने निराश्रित मवेशियों से फसलों को बचाने के लिए चंदा लगाकर अस्थायी गौशाला बनवाया है। प्रतिदिन गांव के दो व्यक्तियों को मवेशियों को चराने व उनकी देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी है। लोगों ने बताया कि वे निराश्रित मवेशियों से काफी परेशान हैं। भयवश किसानों ने 2 साल से खेती बंद कर दी है। सभी की जमीन परती पड़ी है। कई बार मांग के बावजूद गांव में पशु आश्रय स्थल का निर्माण नहीं कराया गया। थक हार कर किसानों ने चंदा लगाकर धोबैनिया नाला किनारे बांस बल्ली लगाकर अस्थाई पशु आश्रय स्थल का निर्माण किया। तय हुआ कि गांव के दो लोग प्रतिदिन मवेशियों को चराने ले जाएंगे, शाम को उन्हें गौशाला वापस लाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों की होगी। ये व्यवस्था पिछले 4 माह से चल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या का स्थायी हल निकालना जरूरी है। गाँव में यदि सरकारी गौशाला का निर्माण करा दिया जाए तो समस्या दूर हो सकती है। अच्छा, हाँ। कितने रुपए का खर्च आया होगा इसमें? अब इसमें 400 रुपये बांस लगा के चलिए कम से कम 10,000 रुपये लगाए हैं। 10,000 रुपये जी। अच्छा दादा, क्या समस्या होती है जो आप लोगों ने इतना भयानक कदम आपको उठाना पड़ा? समस्या ये है कि भाई मांग भी किए हम लोग, सरकार से भी मांग किए और BDO महोदय से भी कहे, प्रधान से भी कहे। अब जहाँ जहाँ हम लोगों का ये जाना था कि इनसे कहेंगे तो हमारा काम होगा, सबसे कह लिया, एप्लीकेशन दे लिया, कोई सुनवाई नहीं। क्या कुछ समस्या है हमारे? समस्या ये है हमारे हमारा पशुओं का कि किसान भाई जो गेहूं फसल कुछ लगाते हैं कैसे करके अपना, वो ये जा करके रातों रात सब चर जाते हैं। रात में ठंड में रखा नहीं पा रहे हैं। अब वो भाग दौड़ करके देखे जो चारों तरफ इधर उधर से हाँक देते हैं, एक दूसरे में चले जाते हैं। फिर सब लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर चंदा लगाए, बांस मोल लेके आए, ला करके फिर इनको एकत्रित करके इकट्ठे फिर ला के इसमें किए हैं। अब खाने का इनका कोई है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।